News 18, India. और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है संदेश खाली से। संदेश खाली के बीच रास्ते से लौटी बीजेपी की 6 सदस्यों वाली कमेटी कोलकाता में राजभवन पहुंची है और राज्यपाल से कुछ ही देर में उनकी यहां मुलाकात भी होने वाली है। बीजेपी की टीम राज्यपाल से मिलकर बंगाल सरकार और पुलिस की शिकायत कर रही है। जिस तरीके से संदेश खाली बीते दिनों से चर्चा में है, तमाम राजनीतिक दल वहां पर पहुंच रहे हैं और यौन उत्पीड़न का जो आरोप वहां की महिलाओं ने लगाया है उसके बाद ये पूरा मामला और ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। सियासत इसको लेकर जमकर हो रही है, सियासी बयानबाजी जमकर हो रही है। धरने पर तमाम सियासतदान इस वक्त बैठे हुए हैं और संदेश खाली हर कोई पहुंचना चाहता है। बीजेपी की टीम भी 6 सदस्यीय टीम जो कि कल जेपी नड्डा की ओर से ही बनाई गई थी, जिसमें 2 केंद्रीय मंत्री थे और बाकी जो मंत्री थे वहां पर पहुंचते हैं संदेश खाली में, लेकिन उनको रोक दिया जाता है कुछ देर पहले ही। और ऐसे में अब उनकी जो पूरी टीम है वो राज्यपाल के पास पहुंचेगी और राज्यपाल से कुछ ही देर में उनकी मुलाकात होने वाली है। संदेश खाली में तालिबान शासन चल रहा है और ममता बनर्जी की तानाशाही राज जो चल रहा है वो हम राज्यपाल जी को बताएंगे। ये जो बीजेपी की टीम वहां पर पहुंची थी उसकी ओर से कहना है, जिस तरीके से वो वहां पर जाने का प्रयास कर रहे थे लेकिन उनको पहले ही रोक दिया जाता है और उसके बाद अब राज्यपाल के साथ उनकी मुलाकात होगी। जो संदेश खाली में तालिबानी शासन चल रहा है वहां पर अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हिंदुओं को टारगेट हो रहा है, हम ना देख पाए। गवर्नर हाउस में किस लिए आए? गवर्नर हाउस में जाकर बताएंगे क्या हालात है वहाँ कि हम लोगों को नहीं जाने दिया गया और यहाँ जाकर गवर्नर को आकर हम किसके पास जाएं? ममता बनर्जी का तानाशाही तालिबानी राज जो चल रहा है उसको हम राज्यपाल जी को बताएंगे। और इस वक्त आशिका हमारे साथ जुड़ रही हैं। आशिका, देखिए आरोप जो लगाए गए हैं वो बेहद गंभीर आरोप हैं और ऐसे में राज्यपाल के साथ मुलाकात होने वाली है। बीजेपी की जो टीम वहां पर पहुंची थी, कितनी देर में ये मुलाकात होगी? देखिए ये टीम पहुंच गई है और संभव है कि राज्यपाल के साथ ये मुलाकात शुरू भी हो गई हो और पूरी जो घटना है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के पश्चिम बंगाल के ये जानकारी दी जाएगी। और आज जब उनको रोका गया, जो ये फैक्ट फाइंडिंग टीम थी, ये पूरी जानकारी जो है वो राज्यपाल को दी जाएगी टीम की तरफ से। साथ ही साथ जो महिलाएं जिनसे वीडियो कॉल पर बात की इस फैक्ट फाइंडिंग टीम ने, वो क्या कह रही थी ये जानकारी दी जाएगी। अब आगे राज्यपाल क्या रुख लेते हैं इस पर ये देखना जरूरी है। जी, तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं संदेश खाली, जहां पर हिंसा हुई और सब कुछ शुरू होता है 5 जनवरी से, जब शेख शाहजहां के कई ठिकानों पर वहां पर ईडी की रेड पड़ती है लेकिन वहीं से हिंसा की शुरुआत होती है। तो बंगाल के संदेश खाली पर गरमाई सियासत की इस वक्त की 3 सबसे अहम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। दरअसल संदेश खाली जाने के लिए निकली बीजेपी की 6 सदस्यों की कमेटी को बंगाल पुलिस ने आगे नहीं बढ़ने दिया और बीजेपी के सदस्यों को बीच रास्ते से ही कोलकाता लौटना पड़ा। बीजेपी की टीम संदेश खाली नहीं जा पाई। कमेटी के मेंबर अब कोलकाता में राज्यपाल से मिल रहे हैं। वहीं अनुसूचित जाति आयोग ने राष्ट्रपति से बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर दी है। आयोग की टीम कल बंगाल गई थी और उसने संदेश खाली पर राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अहम बात यह है कि इंडी गठबंधन में शामिल कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी भी संदेश खाली रवाना हो गए हैं। हालांकि पुलिस ने उन्हें भी रोक दिया और वो भी बीच रास्ते में धरने पर बैठे हैं। तो 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश के पीछे की क्या वजह बताई है वो आपको सुनवाते हैं। मैडम को जो रिपोर्ट दिया है उसमें ये चीज लिखा है कि मैडम अभी आराम से जो कानून में है आराम से आप राष्ट्रपति शासन के लिए सुपारिश कर सकता है, क्योंकि बंगाल का हालात अभी इतना खराब है, विशेष रूप से जो शोषित वंचित श्रेणी का लोग होता है इनको सेव करने के लिए सरकार को अलग दृष्टि से देखना चाहिए। संदेश खाली से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। संदेश खाली की सियासत में कांग्रेस भी अब कूद गई है। अब कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी संदेश खाली की ओर रवाना हो गए, लेकिन अधीर रंजन चौधरी को भी वहां पर पुलिस रोक सकती है ये कहा जा रहा है और उनको रोका भी गया, जिसके बाद वो वहीं पर
धरने पर बैठ जाते हैं तो सियासत लगातार किस तरीके से जोरों पर है वो आप देख रहे हैं। तमाम जो राजनीतिक दल हैं, तमाम जो बड़े राजनीतिक नेता हैं, वो वहां पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। सबका ये कहना है कि वो पीड़ितों से मिलना चाहते हैं क्योंकि महिलाओं ने वहां पर कई तरीके के आरोप लगाए, यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, हिंसा का आरोप लगाया और जमीन किस तरीके से हड़प ली जाती थी शेख शाहजहां की ओर से, वो तमाम आरोप उनकी ओर से लगाए जा रहे हैं। और ये तस्वीर भी इस वक्त आप देख रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी जो संदेश खाली की ओर जा रहे थे लेकिन उनको भी रोक दिया गया। जिस तरीके से बीजेपी की टीम को रोका गया था ठीक उसी तरीके से कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को भी रोक दिया गया और अब ये उनकी तस्वीर जो संदेश खाली से सामने आ रही है जहां पर वो इस वक्त अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे हैं। কেন এখানকার পুলিশের অফিসাররা কথা বলতে পারছে না? আমি জিজ্ঞেস করছি এখানে অফিসারকে, সে অফিসার জবাব দিচ্ছে না। আমি জিজ্ঞেস করছি এখানে জবাব নিষেধ কেন, সে অফিসার বলতে পারছে না, শুধু বলছে এরপর যাওয়া যাবে না। কেন তার কোনো ব্যাখ্যা নাই। 144 ধারা কোথা থেকে ইম্পোজ হয়েছে আমরা কেউ জানি না। আইনের বই দেখানো হলো যে 144 ধারা থাকলেও 4-5 জন লোক যেতে পারে, তারও কোনো জবাব নেই আপনাদের কাছে। তাহলে আপনারা কারা? আপনারা পুলিশ বাহিনী না তৃণমূলের বাহিনী, কার বাহিনী? আমাদের জানতে ইচ্ছা করে, আপনাদের জন্য আমাদের লজ্জা হয়, আপনাদের জন্য আমাদের খারাপ লাগছে। কারণ আপনারা সবাই জানেন যে সন্দেশখালীর এই ঘটনা আইন বিরুদ্ধ এক নৃশংস ঘটনা। বাংলার ঘরের মা বোনেরা এখানে রাতের অন্ধকারে তৃণমূলের নেতাদের ডাকে, নির্দেশে, তাদের সন্ত্রাসের ভয়ে তার স্বামীকে ছেড়ে